तो क्या हाल है मेरे भाइयों और उनकी बहनों, सब ठीक है ना? शानदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिनचैन। कैसा लगा आप सबको? आखिरकार मैं यहाँ भी पहुँच ही गया। अबे ओ शिनचैन, सारे ज़्यादा मत बोल, शौन भाई से पंगा ही लेने का बे। चल चुपचाप लाइन में लग जा, रेस लग, चल रेस चलने शुरू होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, दोस्तों आज आप भाई देख ही लिया आप लोगों ने कि भाई शिनचैन जो है वो आ चुका है फ्रैंकलिन के पास, और आज की रेस शिनचैन और फ्रैंकलिन दोनों के बीच होने वाली है। और ये देखो यार, आज की रेस भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और आज की रेस में दोस्तों जो भी जीतेगा ना उसको 25 बिलियन डॉलर्स और 100 सुपरकार्स मिलने वाली हैं। और ये तभी मिलेगा जब आप एक रन में रेस कंप्लीट कर लोगे, और अगर सेकेंड रन में किया तो यही प्राइस हाफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन रेस को जीतता है, फ्रैंकलिन या फिर ये टिंडू शिनचैन। ओए टिंडू, किसको बोला? मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी हाइट भले ही छोटी है लेकिन मुझे कम मत समझना। हाँ, और ये पपलू, ये इसको तो मैं यूं मार दूं, हाँ, इसको हराना कौन सी बड़ी बात है बे। और तू ओ शांत, जरा प्यार से बात किया कर मेरे से, समझा? मेरे सामने झुक के रह। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरे हीरो हूं। ना हड्डियां तेरी भी तोड़ दूंगा। अबे ओ शिनचैन, लिमिट में रह बेटा, लिमिट में। किससे बात कर रहा तू? शौंज भाई से, समझा? अबे कार पर उतर, कार बहुत महंगी है। ये महंगी कार है? ऐसी कार उससे तुम्हें अपना कूड़ा भी ना उठाऊं। हाँ? अबे ओ बस कर, चलो भाई रेस शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन जाएगा? सबसे पहले इस बच्चे फ्रैंकलिन को ही भेज दो, क्योंकि मैं तो एक रन में ही रेस कंप्लीट कर लूंगा, ये पपलू कलुआ नहीं कर पाएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ, इसको भेजो पहले, इस कलुए को। पहले तू चला जा, पहले तू बच्चा है बे। अभी बच्चा होगी तेरा, गाली नहीं। चलो ठीक है भाई, शिनचैन आखिरकार कह रहा है कि भाई उसे नहीं जाना है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में है। देखते हैं इस टिंगू का कॉन्फिडेंस भी निकालेंगे साले बटले। यही गाली नहीं देने का, वरना मुझे बहुत बड़ी बड़ी गालियां भी आती है। चलो ठीक है भाई, शांति से रहो भैया, एक नंबर का बदतमीज बच्चा है ये। तो चलो भाई फ्रैंकलिन भाई, हम तुमसे शुरू करते हैं, चलो फिर रेस स्टार्ट करो। तो चल मेरे कलुए, शाबाश, तू उस शिनचैन को बता दे कि तू क्या चीज है, और उस शिनचैन को मुंह तोड़ जवाब दे मेरे कलुए, तू एक ही रन में से इसको कंप्लीट कर देता कि वो शिनचैन हार जाए। साला नाटू कहीं का हमसे ज्यादा बकवास कर रहा था। होले होले, सीधा ले सीधा ले सीधा। अबे भोसड़ी के सीधा न, नीचे गिर जाएगा। ओ ओ सीधा, ओ नहीं भाई, फ्रैंकलिन गिर गया, साला कलुआ गिर गया। अब शिनचैन की बारी। क्यों बे शौन भाई, देख लिया आपने उस कलुए को? ये कलुआ तो हार गया। हाँ, कैसा है वैसे, उधर मुंह छुपा के खड़ा है। कलुए तू तो यहां से कूद के डूब मर बे, हट। ओए कलुए से ज्यादा पंगा मत ले, तुझसे 10 गुना हाइट का उठा के ऐसे फेंकेगा ना, सारे टिंडे के बॉल के साइज के, तू मिलेगा भी नहीं किसी को। अरे शौंज भाई, ज्यादा बकवास नहीं करनी, मुझसे ज्यादा बकवास नहीं करनी, नहीं उठा के फेंक दूंगा मैं। हाँ भाई यार, ये बदतमीज है ये लड़का। चल बे रेस्टार्ट कर। मैं नहीं करूंगा, मुझे बाइक चाहिए, मैं इस बेकार से गाड़ियों से नहीं शुरू करूंगा। अबे बहुत महंगी है, साले ने आगे का वो तोड़ दिया, तेरी तो साले, तेरा बाप भरेगा पैसे इसके। शौच भाई बाप पे नहीं जाना, समझे, वरना मैं बहुत जगह जा सकता हूँ। हाँ चुपचाप बाइक अरेंज करवाओ। ठीक है यार। अबे ये कैसा बैठा है अबे तू बाइक पे? बाइक के अंदर बैठा हुआ है भाई, बाइक के पीछे की तरफ से। पता नहीं भाई साला ये क्या है, ये मेरा स्टाइल है, चुपचाप आप रेस देखो कैसे मैं एक ही रन में कंप्लीट करता हूँ, और आपका उस कलुआ का दोनों का मुंह काला कर देता हूँ। अबे ओ ज्यादा बकवास मत कर, कलुए का क्या मुंह काला करेगा, कलुआ तो भाई पहले से ही है। शाबा,
ओ ओ ओ ओ शिनचैन अब गिरेगा अब गिरेगा। सपना कम दिखा करो, मैं नहीं गिरने वाला। यार ये पत्थर थोड़े बड़े क्यों नहीं लगवाए इसके लिए? क्या बात है बे, लगता है साला ये सिंचन कंप्लीट कर रहा है। साला किसको बोला, ज्यादा बकवास नहीं करनी मेरे सामने। हाँ बे यार, एक तो साला ये सिर पे ही चढ़ा हुआ है मेरे यार। एक तो वो कलुआ, उससे इतनी उम्मीद थी, लेकिन भाई साहब मजाल है, मजाल है जो भाई वो इतना अच्छा खेल जाए। ओह भाई फिर आ गया। क्या बात है यार, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है ये तो। लगता है सही में भाई एक ही रेस में, मतलब एक ही रन में जीत जाएगा ये रेस तो। भैया तो भैया सिंचन इधर से आ तो गया। ओ ओ ओ ओ नीचे गिर जा, नीचे गिर जा। अरे यार ऐसा ना, नीचे क्यों नहीं गिरा पानी में? पानी में गिरता तो अभी डिस्क्वालीफाई हो जाता और मजा आ जाता भाई। क्या हो गया भैया, अटक गया क्या सारा छुटकू? यार फिर से बच गया ये। अब मुझे कलुए पे गुस्सा आ रहा, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कलुए पे गुस्सा आ रहा है कि साला वो एक बारी में ही रेस को कंप्लीट नहीं कर पाया। भाई ये डिफिकल्ट बहुत ही ज़्यादा है भाई, डिफिकल्ट ये रेस। इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई कि मैं थोड़ा सा प्राइज मनी जो है बढ़ा दूँ। मैं 25 नहीं 50 बिलियन डॉलर्स मैंने प्राइज कर दी है सिंगल रन रेस में। ओ, भाई वाकई में शिनचैन गिर जा बेटा, गिर जा। सबसे पहली बात तो मुझे बेटे नहीं बोलना है। क्या बात है भाई, फाइनली शिनचैन यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन बेटा बहुत पतली डंडी है, तू इस पे गिरेगा। गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। अरे गिर जा यार, ये साला गिर ही नहीं रहा है भाई। मुझे वाकई में लग रहा है कि ये छुटकू कहीं भाई सिंगल रन में ही रेस को कंप्लीट ना कर दे, लेकिन ये बड़ा बदतमीज है भाई। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भोसड़ी वाला बड़ा बदतमीज है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, मेरे साथ गाली मत करना। बे यार एक तो इसको यार, ओ गिरने के बजाय भाई कितनी पतली डंडी पे भाई ये चला पा रहा है यार। लेकिन भाई तुम लोगों ने देखा होगा यार कि ये क्या नाम है उसका, उस कलुए का कैसा परफॉर्मेंस रहा है भाई। इतना अच्छा परफॉर्म तो ये ट्रेवर भी नहीं कर पाया है भाई रेसेस में। क्या बात है, मेरा क्या चूती है सिंचन। वो शाबाश, क्या बात है क्या बात है भाई, सिंचन ने तो दिल जीत लिया यार, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, शाबाश मेरे बेटे। ओ नीचे नहीं गिरा तो अच्छा हुआ, वरना तो बता डिस्क्वालीफाई हो जाता। वो क्या बात है, क्या बात है मेरे सिंचन, मेरे आलू की बोरी। लेकिन सिंचन बेटा याद रखना, रेस बहुत लंबी है। सारे दांत दिखा रहा है मुझे। वो लेकिन अब इसके ऊपर कैसे चढ़ेगा है? चढ़ जाएगा भाई, ये चढ़ जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। लो भाई ऑलमोस्ट चढ़ ही गया था भैया, क्या बात है यार भाई अब तक। ओ चढ़ गया भाई। शिनचैन की इस परफॉर्मेंस को देख के ना मैं भी भाई थोड़ा सा शॉक में आ गया हूँ। ओह क्योंकि भाई ये एक पे एक सारी की सारी मुश्किलों को भाई, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है, उनको कंप्लीट करता ही जा रहा है। एंड लेट मी टेल यू भाई, इसकी परफॉर्मेंस ना वाकई में सबसे बेस्ट रही अब तक की।
छुटकू छुटकू बेटा गिर जा। क्या बात है, एक सेकेंड। अच्छा ये तो वहां पे रेस कंप्लीट कर चुका है वो वाला तो। वो ओ सिंचन, थोड़ा थोड़ा संभल के बेटे। तुझे कितनी बार कहा बेशान, मुझे बेटा मत बोल। अबे तो भोसड़ी के तुझे क्या बोलूं हैं, क्या बोलूं बोल। पप्पा बोलते अबे साले एक थपेड़े खाएगा बस। चल 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 चल, हौले ले, वरना सीधा ही नाली में जाता। वो नाली नहीं समुंदर है। हाँ हाँ आया बड़ा, नारी नहीं समुंदर है वाला। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ भाई, उस कलुए का क्या होगा भाई। कलुआ $25 बिलियन हार जाएगा। आप चिंता मत करो, वो भिखारी बन जाएगा तो मैं उसे नौकरी पे रख लूंगा। वाह, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे अंदर बे। तू और उसको नौकरी पे रखेगा, फ्रैंकलिन को? आपने सही कहा, वो रखने लायक नहीं है, कलुआ कहीं का किसी काम का नहीं है वो। अबे ऐसा भी नहीं है भाई, तो पता है उसके पास खुद के प्राइवेट जेट्स हैं, और वो भी गोल्डन। अब चिंता मत करो, इस रेस को जीतने के बाद वो सारे मेरे हो जाएंगे। हाँ अबे वो कलुए, तू मेरे नौकर बनेगा ना, बस मेरे टॉयलेट साफ कर देना। भाई साहब, अबे सिंचन तू बहुत बदतमीजी कर रहा है, साले तेरी कुटाई कर दूंगा मैं। समझ भाई, आप ज्यादा मत बोलो, आप इस कलुए को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। ये तो चीटिंग है, ये तो अन्याय है। अबे चुप कर वे, अन्याय वाले अन्याय तो ऐसे कर रहा है ना जैसे कि पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा इनजस्टिस कर दिया हो मैंने। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूं मैं। ओ संभल के, काहे का संभल के, गिर जाए मनहूस, मैं तो यही चाहता हूं। आपकी ये ख्वाहिश अभी पूरी नहीं होने वाली है, मैं नहीं गिरूंगा। यार मुझे लगा था कि अभी गिर जाएगा। नहीं यार, अब इस पे तो गिर जा भाई साहब। इसकी परफॉर्मेंस देख के तो मुझे ना कलवे का भविष्य बिल्कुल अंधकार में नहीं, सच में इसका टॉयलेट में ही दिख रहा है, टॉयलेट साफ करता हुआ। ये क्या कर दिया बे, कैसी बेकार सी बाइक दी, नीचे गिर गई, दूसरी बाइक ले आके दो मुझे, मैं यहां से रेस तभी कंटिन्यू करूंगा। अबे तू दूसरी बाइक ले आके दो, बाइक ठीक तो है। नहीं मैं वो बाइक नहीं लूंगा, वरना मैं ऐसे पैदल ही करके कंप्लीट कर लूंगा। पैदल पैदल मत कर, वरना मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तो चुपचाप बाइक मंगा दू। यार कितना वो है, ये मंगाता हूं। लो भाई, इसको फिर से हमने दूसरी नई बाइक लाके दे दी है यहाँ पे, और ये इसका परफॉर्मेंस तो भाई अभी तक वैसे का वैसा ही जारी है। लगता है ये $50 बिलियन जीत ही जाएगा, अलॉन्ग विद दी 100 सुपरकार्स। ओ जीत जाएगा? नहीं भाई, ये तो जीत गया। अबे ये तो जीत गया भाई साहब, शिनचैन जीत गया, वो भी सिर्फ एक ही रन में। पहले ही रन में भाई इसने रेस को जीत लिया है, क्या बात है बे सिंचन भाई। वाकई तेरी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी, मैंने कहा था ना मेरी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है। अब ले आओ ले आओ, जल्दी से मेरा प्राइस मनी ले आओ। हाँ और हाँ, मुझे सुपर कैश नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे $100 बिलियन दे देना। क्यों बे? बस क्योंकि मैं पूरे के पूरे फ्रैंकलिन को खरीद लूंगा, उसे अपना नौकर बनाऊंगा, उसके प्राइवेट जेट्स और जेट सब मेरे होंगे। हाँ उसकी सारी प्रॉपर्टी मैं ले लूंगा, क्योंकि वो रेस हार गया है, तो अब आपको उससे $25 बिलियन लेने होंगे। हाँ लेने हैं, तो बस वो $25 बिलियन मैं ले लूंगा, और आप बदले में उसकी मेरी सारी प्रॉपर्टीज दे देना, सही है ना? भाई साहब कितना चंट है ये साला, ये छुटकू भाई। बेचारा फ्रैंकलिन तो भाई सच में इसका गुलाम ही बन गया। कलुए कहाँ रह गया बेटा तू, आजा आजा इधर आजा। तू
तो भाई ये देखो यार, हम फाइनली लेकर आ चुके हैं भाई सिंचैन का प्राइज मनी। और ये प्राइज मनी टोटल दोस्तों गोल्ड में है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में। देख रहे हो यार कितना सारा गोल्ड है, ये एक ट्रे के ऊपर कम से कम 100 kg गोल्ड होगा। और ये देखो यार भाई, इसको काउंट करना भी मुश्किल है यार, कितने सारे गोल्ड ट्रेज हैं। और सिंचैन को देखो, सिंचैन को देखो, साला गोल्ड ट्रेज के ऊपर पैदल चल रहा है भैया। ओ भाई साहब, इतना सारा गोल्ड! अबे सिंचैन, इतने सारे गोल्ड और इतने सारे पैसे का तू करेगा क्या भाई? ओ भाई क्या चमक है यार गोल्ड की, भाई देखा भी नहीं जा रहा। सिंचैन क्या करेगा भाई इतने सारे गोल्ड का? कुछ नहीं सोच भाई, मैं उस फ्रैंकलिन की सारी प्रॉपर्टीज खरीद लूंगा, उसका घर, गाड़ियां, सब कुछ, यहाँ तक कि उसका एयरपोर्ट पे जो हैंगर है वो भी, उसके गोल्डन प्लेन, गोल्डन चॉपर सब मेरा होगा। और अपने लिए एक गोल्डन कार भी खरीदूंगा मैं, और हाँ ट्रेवर की भी कुछ प्रॉपर्टीज खरीद लूंगा मैं। हाँ हाँ, अब लॉस सैंटोस पे मैं ही राज करूंगा, मैं ही। और उस फ्रैंकलिन से गटर साफ करवाऊंगा, पक्की बात है। हाँ आप भी देख रहे सोच भाई, उसको तो मैं अपना नौकर बनाऊंगा। साला कितना काइया है भाई ये छुटकू। पहनचो दे, सिर्फ दिखने में छोटा सा है, हरकतें बहुत गंदी हैं इसकी। तो भाई साहब, जैसा कि इस सिंचैन ने कहा था भाई, सच में वैसा ही इसने इस पूरे घर पे, यानी कि माइक फ्रैंकलिन के घर पे कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं किया भाई, खरीद लिया। और फ्रैंकलिन की सारी प्रॉपर्टीज भी खरीद ली। फ्रैंकलिन के जितने भी भाई गैरेजेस थे, जितने भी एयरपोर्ट पे उसके हैंगर्स थे, और सब कुछ भाई इसने खरीद लिया। देख रहे हो, सब चीज का मालिक अब नया ये है, दी ओनली सिंचैन छुटकू। लेकिन भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा सच में यार कि इस सिंचैन छुटकू ने इतना टफ कॉम्पिटिशन सिर्फ एक ही रन में कम्प्लीट कर लिया। भाई सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। लेकिन कोई बात नहीं बेटे, ट्रैवर तुझे हराएगा। ट्रैवर ज़्यादा मत उछल बे, सारे छुटकू कलुए, नहीं नहीं कलुआ ये नहीं, कलुआ तो वो है जो कि अब इसका नौकर बना हुआ है भाई, और इसके लिए गया हुआ है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए मार्केट में, नौकर कहीं का इसका। और भाई इसने गोल्डन व्हीकल्स को ऑर्डर कर दिया है, और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि इस सिंचैन की गोल्डन व्हीकल्स। लेकिन मुन्ना याद रखना, ट्रेवर के साथ जब तेरा मुकाबला होगा ना, तो वो तुझे ज़रूर हराएगा, और ये सारी चीज़ें वापस चली जाएंगी, तो फिर तू बनेगा नौकर ट्रेवर का। ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ मैंने ट्रेवर की भी प्रॉपर्टीज कर दी हैं, तो याद रखना मैं ट्रेवर को भी अपना गुलाम बनाऊँगा। है शौंज भाई, उसे भी अपना नौकर बनाऊँगा मैं। चलो शौंज भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने नए घर में मुझे आराम करना है। चलो हाँ भाई, फालतू का टाइम आपके पास है, मेरे पास नहीं है। चलो अबे, मेरे पास फालतू का टाइम है? सले यार, मन तो कर रहा ना, इतना कूटू इसे कि पूछो मत। कहाँ जा रहा बे? ओ भाई पुल साइड पे रिलैक्स करने के लिए। चलो भाई इसे रिलैक्स कर ले दो, हम चलते हैं, और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड। हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में ज़रूर आना, मैं आपसे फिर मिलूंगा। और हाँ, ऐसे ही मेरी जीत को जरूर देखना। बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।